नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में 3034 लेडी सुपरवाइजरों की नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट अगले माह। पटना स्मार्ट सिटी में शामिल होगा 61 एकड़ और एरिया, CLAF की बैठक में बनी सहमत। बिहार में अगले 5 दिन आंधी पानी की आशंका, बक्सर को छोड़कर सभी जगह पारा आया नीचे। बिहार में सरकार की तैयारी, बंद होने वाले हैं लाखों राशन कार्ड, जान लीजिए नए नियम। आज से देना होगा पानी का शुल्क 480 से 1800 रुपये सालाना। पटना के बाद अब अररिया में बनेगा चिड़ियाघर, विजिटर्स को मिलेगी कई सुविधा। पटना के समाज कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजर के 3034 पदों पर नियुक्ति के लिए अगले महीने मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। समाज कल्याण निदेशालय ने 2019 में यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन कोरोना के कारण यह अधर में लटक गया। मंगलवार को इस चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैठक हुई, जिसमें मंत्री भी मौजूद रहे। सभी DM को नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने को लेकर निर्देश दिया गया है। विभाग के मुताबिक सभी जिलों में लेडी सुपरवाइजर की नियुक्ति के लिए मांगे गए आवेदन के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब मेरिट लिस्ट निकालना बाकी है। राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी के लिए लेडी सुपरवाइजर की नियुक्ति की जा रही है। इन लेडी सुपरवाइजर को हर दिन अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी कर रिपोर्ट बनानी होती है। वर्तमान में लगभग 530 लेडी सुपरवाइजर कार्यरत है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि लेडी सुपरवाइजर के चयन के लिए जिला स्तर पर काम पूरा करना होगा। कोरोना के कारण इसमें देरी हुई है, लेकिन अब प्रक्रिया को जल्द पूरा करना होगा। पटना स्मार्ट सिटी में अब पटेल चौक से अने मार्ग, फिर मोहानी चौक से गांधी मैदान थाना और पटेल नगर बाबा चौक से राजापुर पुल व बांसघाट का क्षेत्र भी शामिल होगा। मंगलवार को पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की शहर स्तरीय परामर्शदात फॉर्म की 6th बैठक में इसके प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। अब स्मार्ट सिटी क्षेत्र में 61 एकड़ का विस्तार होगा। अब इस प्रस्ताव को नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा जाएगा। ABD एरिया विस्तार के बाद सरपेंटाइन नाला, पटेल नगर नाला, बांसघाट में सवदाह गृह निर्माण संबंधी परियोजनाओं पर कार्य सुगम होगा। मालूम हो कि इससे पहले CLAF की 5वीं बैठक में मूल ABD एरिया 817.35 एकड़ से बढ़ाकर कुल 1786.35 एकड़ तक किया गया था। ABD एरिया विस्तार का प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार तक भेजने का पूर्व पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया जा रहा है। मंगलवार को पूरे बिहार में बक्सर को छोड़कर सभी जगह पारा तेजी से नीचे आया है। उतनी ही नहीं, दक्षिणी बिहार में भी आंधी पानी की स्थिति बनी है, जिससे दिन के पारे में औसतन 2 से 3 डिग्री की कमी आई है। हालांकि दक्षिणी बिहार में सूखी गर्मी और उत्तर बिहार में उमस भरी गर्मी महसूस की गई है। IMD के मुताबिक आगामी 5 दिन प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर आंधी पानी की स्थिति बनी रहेगी। वहीं दक्षिणी पश्चिमी बिहार में अत्यधिक गर्मी और लू का प्रवाह बना रहेगा। मंगलवार को बक्सर में लू चली। बक्सर में उच्चतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह प्रदेश में सर्वाधिक रहा है। बिहार में बड़े पैमाने पर सरकार राशन कार्ड बंद करने जा रही है। इसका सबसे ज्यादा असर वैसे लोगों पर पड़ेगी जो किसी सरकारी कार्यालय में नौकरी करते हैं। साथ ही संविदा कर्मी भी इस आदेश की जद में आने वाले हैं। सरकार ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल वैसे अपात्रों का राशन रद्द किया जाता है जो नियम के मुताबिक से पात्रता नहीं रखते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह संशोधन भी किया गया है। ऐसे लोगों के राशन कार्ड रद्द करने या उससे नाम हटाने के लिए 31 मई तक पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाने को कहा गया है। खाद्य सचिव विनय कुमार की ओर से इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। बता दें कि विनय कुमार ने मंगलवार को बताया कि राज्य के शहरी क्षेत्र के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के 4-पहिया वाहन प्रयुक्त करने वाले परिवार, सरकारी नौकरी करने वाले परिवार, आयकर अदा करने वाले, 1 सिंचाई वाले उपकरण के साथ 2.5 एकड़ सिंचित भूमि, 5 एकड़ सिंचित भूमि व्यवसायिक कर अदा करने वाले व अन्य साधन संपन्न परिवार को अपना राशन कार्ड वापस करने का निर्देश दिया गया है। राज्य में बढ़ती महंगाई के बीच अब आम लोगों को पानी पीने तक आफत आ गई है। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ हर हाउस होल्डर को 480 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक सालाना शुल्क देना पड़ेगा। बुधवार से प्रॉपर्टी टैक्स के साथ पानी टैक्स की वसूली की जाएगी। हालांकि अभी जहां पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचा पाया है, वहां अब राहत मिलेगी। पानी शुल्क के लिए विभाग ने घरेलू व्यवसाय, सरकारी कार्यालय और उद्योग के लिए अन्य टैक्स निर्धारित किया है। व्यावसायिक लोगों से मीटर के माध्यम से पानी शुल्क की वसूली की जाएगी।
जाएगी। वहीं हाउस होल्डर के लिए टैक्स का निर्धारण कर लिया गया है। मंगलवार को नगर विकास और आवास विभाग ने मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त के साथ सूबे समेत निगम प्रशासन को पत्र जारी करते हुए पानी का शुल्क वसूलने का निर्देश दिया है। पानी शुल्क नहीं लेने पर सरकार काफी नाराज है। चुनावी आहट के बीच पहले ट्रेड लाइसेंस, फिर यूजर चार्जर्स, अब तीसरा पानी शुल्क वसूलने की खबर से पार्षदों की परेशानी बढ़ गई है। पटना चिड़ियाघर के बाद अब अररिया में चिड़ियाघर बनाया जाएगा, जो बिहार का सबसे बड़ा जू होगा। इसको बनाने के लिए राज्य सरकार ने जमीन की परमिशन दे दी है। इस जू का निर्माण अररिया के रानीगंज में होगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारी ने बताया कि सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA की ओर से चिड़ियाघर बनाने के लिए पहले चरण पर हरी झंडी मिल गई है। वहीं CZA ने रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें हॉस्पिटल, क्वारंटीन रूम, फूड स्टोर, पदाधिकारी बिल्डिंग सहित अन्य तरह की व्यवस्था के अलावा आगंतुकों के लिए दी आने वाली सुविधा और तमाम जानकारियां देनी थी। विभाग ने ये रिपोर्ट बनाकर सेंट्रल जू अथॉरिटी को भेजा है। जून में CZA इस पर स्वीकृति देगी। ये चिड़ियाघर करीब 289 एकड़ जमीन पर 2023 के दिसंबर तक बना लिया जाएगा। 2022-23 वित्तीय वर्ष में चिड़ियाघर बनाने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में अररिया के रानीगंज में 289 एकड़ में जंगल है, लगभग 2.5 एकड़ में तालाब है। तालाब के बीच 2 टापू है, जो ये चिड़ियाघर बनाने के लिए उत्तम माना जा रहा है। इस तालाब में विजिटर्स बोटिंग कर सकेंगे। महंगाई से परेशान लोगों को एक और झटका लगा है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के दाम बढ़ गए हैं। पटना में इसकी कीमत में 2.5 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद इसकी कीमत 84.46 पैसे प्रति किलो हो गई है। वहीं PNG की कीमत में भी 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। PNG भी सोमवार से 49.87 से बढ़कर 51.87 रुपये SCM हो गई है। मालूम हो कि CNG और PNG के दाम में बीते 1 मई को भी वृद्धि हुई थी। 1 मई को CNG के दाम 4 रुपये प्रति किलो और PNG के दाम 5 रुपये प्रति किलो SCM बढ़े थे। गेल इंडिया से मिली जानकारी के अनुसार वैश्विक स्तर पर गैस की कीमतों में उछाल के कारण यह वृद्धि हुई है। बिहार में मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना लगभग 99% पूरा हो चुका है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के बाद भी केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर राज्य की स्थिति अभी 92% ही दर्शाया गया है। ऐसे में राज्य में लाभुकों को आधार से जोड़ने का निर्देश एक बार फिर संबंधित विभागों ने अधिकारियों को दिया है, ताकि डेटा के अंतर को दूर किया जा सके। वहीं केंद्र सरकार के डैशबोर्ड को देखें तो बिहार आबादी के मुताबिक UP से थोड़ा कम है, लेकिन योजना से लाभुकों को जोड़ने में बिहार पड़ोसी राज्यों से काफी आगे है। बिहार सरकार का दावा और केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के रिकॉर्ड में काफी समय से अंतर आ रहा है, जिसे दूर करने के लिए अधिकारी लगे हैं। इसके बावजूद यह संभव नहीं हो पाया है। इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि बिहार के लगभग 15 जिलों में 100% योजना पूरा हो गया है, जिसमें अरवल को केंद्र सरकार ने भी घोषित कर दिया है, लेकिन लाभुक परिवारों के आधार नहीं देने के कारण केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजने में अभी परेशानी हो रही है और डेटा में अंतर दिख रहा है। के मरीजों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़े तो बिहार के बाहर जाना पड़ता है। अक्सर मरीज दिल्ली और मुंबई जाकर अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कराते हैं, लेकिन अब उन्हें और फजीहत नहीं झेलनी पड़ेगी। IGIMS में जल्द ही हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा मिल जाएगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने जानकारी दी है कि बिहार सरकार की ओर से 5 साल के लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करने की प्रक्रिया भी जारी है, इसके लिए तैयारी की जाने लगी है। लाइसेंस मिलने का इंतजार किया जा रहा था। फिलहाल एक हार्ट लंग मशीन है और एक मशीन की जरूरत होगी। इसके बाद मरीजों का हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया जाएगा। बिहार वासियों के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है। राज्य में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलने वाली है। यह तभी संभव हो पाएगा जब किसी ब्रांडेड मरीज से हार्ट मिले। इसके लिए कई विशेष तैयारियां की जा रही है। परिजन ब्रांडेड मरीज के अंग डोनेट करें और इसके लिए प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में तापमान का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। मध्य प्रदेश और ओडिशा से बिहार तक जुड़ी ट्रफ रेखाओं की वजह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इसे प्री मानसून का असर बताते हुए आने वाले 48 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान राज्य के अन्य इलाकों में गरज और आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भी चेतावनी दी है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार इस मौसम से गर्मी में कोई खास राहत नहीं होगी। अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में एक बार फिर से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार पूरे
बिहार में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा की प्रवाह जारी है। हवा के प्रभाव की वजह से मौसम में बदलाव आ रहा है। कहीं हवा की रफ्तार काफी तेज हो रही है तो कहीं गर्मी से हालत खराब है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा के प्रभाव के साथ राज्य में दो ट्रफ रेखाएं बनी हुई है, जिसका कारण बारिश का मौसम बना हुआ है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।